से हम पूरे साथी जमा स्ट्राइक पर हैं और आज हजारों की तादाद में जो लोग जो है सेक्रेट के सामने जमा हो चुके हैं, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं, सरकार की हमारी बात सुनी जाए और हमारी जो भी बेंडी वेजी जो भी बोलते हैं उनको हल किया जाए। और इतने लोग जो ऑनलाइन के बगैर छूट चुके हैं उनको ऑनलाइन किया, आज पीएचई एजुकेशन पीडीडी तमाम लोग रोल गए, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी साइड कश्मीर में देखिए, आपकी कोई हथियार उठाता है उसके लिए वेजेस भी है, उसके लिए हर कोई सिस्टम है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे आज हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आज हमने भी तय कर लिया है कि जब तक हमारे मसले को हल किया नहीं जाएगा। कई बार आप लोगों ने एहतजाज के इस बार महारैली की, अगर मसला हल नहीं हुआ तो आगे क्या लाहेमा रहेगा आपका, आगे फिर बंदूक का रास्ता जैसे सरकार मानेगी। फिर अगर सारे मसले हमने हल किए सरकार नहीं माने, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन एक ही रहती है, हम नहीं चाहते कि हम उस जाएं, हम उस वाले रास्ते पे जाएं, लेकिन अगर सरकार ने मजबूर किए, अगर बंदूक पकड़ने वालों को 5 लाख रुपया नौकरी दी जाती है तो हम भी बंदूक पकड़ने के तैयार हो जाएंगे, हमें कोई परेशानी है। तो इसलिए हम पूरी तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए और अंतिम चरण तक पहुँचाने के लिए। शुक्रिया। नागेश्वर नागेश्वर।